द स्टैलिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। कोटकपूरा गोलीकांड मामले को लेकर कांग्रेस के 3 मंत्री व 2 सांसद कैप्टन सरकार को घेर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दलित मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुट गए हैं। पंजाब कांग्रेस में इस घमासान को लेकर हाईकमान चुप है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील झाखड़ भी पूरी तरह से तस्वीर में गायब नजर आ रहे हैं। कोटकपूरा गोलीकांड को लेकर पहले विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। अब कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी और गुरप्रीत कांगड़ भी कैप्टन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा और लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का साथ भी उन्हें मिलने लगा है। फिरोजपुर की सब तहसील जीरा के विधायक कुलबीर सिंह जीरा के पिता इंद्रजीत सिंह जीरा का देहांत हो गया है। बता दें कि वह पिछले लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। आज सुबह 5 बजे मोहाली के एक अस्पताल में उनकी मौत हुई। इंद्रजीत सिंह जीरा के निधन पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पूर्व विधायक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता इंद्रजीत सिंह जीरा के निधन की खबर से वह बेहद दुखी है। पंजाब के जलालाबाद में कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों से 2 लुटेरे फायरिंग करके 45 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वारदात गांव चक सैदोके के निकट हुई। कोटक महिंद्रा बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि वे कार से 45 लाख रुपए लेकर जलालाबाद की ओर जा रहे थे। उनके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। जब वे गांव चक सौदा करके पास पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर आए सवार 2 लुटेरों ने कार के टायर पर फायरिंग शुरू कर दी और कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची डालकर रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि समूची मानवता चिकित्सक भाईचारे की ऋणी है, क्योंकि वह कोरोना महामारी की शुरुआत से ही स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सिद्धू ने बताया कि हर साल 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस दिन स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों की महत्ता को उजागर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि साल 2020 और 2021 हर देश के लिए चुनौती भरे साल साबित हुए हैं और कोरोना वायरस के फैलाव के डर से कोई बचा नहीं रहा, परंतु इस स्वास्थ्य इमरजेंसी में मानवता की सेवा करने के लिए नर्सों को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए तैयार किया गया। अब खबरें होशियारपुर से। भाजपा महिला मोर्चा पंजाब की प्रदेश उपाध्यक्ष नीति तलवार की अगुवाई में बहादुरपुर चौक होशियारपुर में लोगों को कोरोना से बचाव हेतु विशेष अभियान चलाकर मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर नीति तलवार ने कहा कि केंद्र व प्रदेशों की सरकारें लाखों रुपए खर्च कर हमें यह समझाने में लगी है कि हमें मास्क, 2 गज की दूरी, साबुन, सैनिटाइजर का इस्तेमाल व टीकाकरण आदि जैसी सावधानियों का पालना करनी चाहिए, पर इसके बावजूद भी हम इन सावधानियों का पालन नहीं कर रहे, जिससे यह बीमारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी को समझना होगा कि सरकारों के लिए वो मात्र एक आंकड़ा है, पर अपने परिवार के लिए वो सब कुछ है। इसलिए जितना जल्दी हो सके वे टीकाकरण जरूर करवाएं और हिदायतों का पालन करें। विश्वव्यापी कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे देशवासियों को टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के स्थान पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा भ्रम व अफवाहें फैलाकर दोहरे आचरण के प्रदर्शन को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, जिसका भाजपा जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा की अगुवाई में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री नड्डा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेसी नेताओं के आचरण, दोहरेपन और तुच्छता की राजनीति याद करवाई है। महामारी और संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार या महामारी की मार झेल रही जनता के दुख साझा करने की बजाय ये कांग्रेसी नेता महामारी पर भी राजनीति कर रहे हैं। वे कांग्रेस के व्यवहार से दुखी हैं, लेकिन हैरान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता लोगों की मदद करने में सराहनीय काम कर रहे हैं। सफाई मजदूर यूनियन नगर निगम होशियारपुर के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधान राजा हंस व कमल भट्टी की अगुवाई में मांगों संबंधी एक मांग पत्र मेयर सुरेंद्र कुमार शंदा को भेंट किया। इस मौके पर यूनियन नेताओं ने कहा कि लंबे समय से नगर काउंसिल के समय से ही पोस्टें चलती आ रही हैं। अब नगर निगम होने के बावजूद वह शहर का विकास होने के साथ पोस्टें बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पहले होशियारपुर में जब नगर काउंसिल थी तब उस समय को देखते हुए पोस्टों में बढ़ोतरी नहीं की गई। नगर निगम बनने के बाद भी वही पोस्टें चल रही हैं तथा कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। कमल भट्टी ने कहा कि सफाई मजदूर यूनियन व नगर निगम में कार्य कर रही अलग अलग यूनियनों की मांग है कि हाउस की बैठक में इन पोस्टों की रचना करके पोस्टें प्रमाणित की जाएं ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके। भारत विकास परिषद की बैठक प्रधान राजेंद्र मोदगिल की अगुवाई में हुई। इस मौके पर प्रांतीय कन्वीनर प्रमुख समाज सेवा संजीव अरोड़ा विशेष तौर से उपस्थित हुए। इस अवसर पर संजीव अरोड़ा ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और भी ज्यादा सख्ती से हिदायतों की पालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह लहर तो युवाओं और बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है तथा इसके लिए जरूरी है कि हम सभी खुद जागरूक होने के साथ साथ दूसरों को भी और जागरूक करें ताकि कोरोना के कहर से बचा जा सके। डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति होशियारपुर इस कोरोना काल के दौरान संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है।
अपने चिर परिचित सिद्धार्थ सेवा परमो धर्म पर चलते हुए समिति ने अनेक कार्यों की शुरुआत की है ताकि लोगों को इस भयंकर बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। समिति की तरफ से कोरोना महामारी के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है जिसके तहत अलग अलग स्थानों पर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए संस्था की तरफ से संदीप जोशी व भरत गंडोत्रा ने बताया कि इसके साथ ही कोरोना संबंधी फैली शंकाओं को दूर करने के लिए लगभग 1000 के करीब पत्रक बांटे गए हैं। पंजाब कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के निर्देशों पर आज जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जिला कचहरी के कोर्ट नंबर 5 में कोविड बचाव संबंधी टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। इस टीकाकरण कैंप की शुरुआत पंजाबी कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के मेंबर सचिव अरुण गुप्ता ने की। इस दौरान जुडिशियल ऑफिसर्स सहित कुल 593 लोगों का टीकाकरण किया गया। सचिव वरुण गुप्ता ने कहा कि कोविड-19 की महामारी की रोकथाम के लिए हर लाभार्थी को कोविड टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह पूरे देश में कोविड तेजी से फैल रहा है, इससे बचाव का एक ही उपाय है कि सभी लाभार्थी टीकाकरण करवाएं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करें। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर हरबीर सिंह ने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जिला स्तर पर टीकाकरण युद्ध स्तर किया जा रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को टीकाकरण किया जाए। वे जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में मोबाइल वैक्सीनेशन व टेस्टिंग वैनों को हरी झंडी देने के दौरान संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ सिविल सर्जन डॉक्टर रंजीत सिंह भी मौजूद थे। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर अपनीत व्यास के नेतृत्व में वर्धमान यॉन्स एंड थ्रेड्स लिमिटेड की ओर से CSR के अंतर्गत कोविड फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन व टेस्टिंग के लिए 4 वैनें देकर सहयोग किया गया है। दसूहा पुलिस द्वारा विशेष नाकाबंदी करके कोविड हिदायतों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे गए और बिना कारण घर से निकलने वालों के टेस्ट किए गए। इस मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि कोविड हिदायतों की उल्लंघना करने वाले 4 लोगों के चालान काटे गए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा करीब 50 से अधिक लोगों के टेस्ट भी किए गए। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद जंग की ओर बढ़ रहा है। बुधवार तक हमास इजराइल पर लगातार रॉकेट छोड़ता रहा। इजराइल की आर्मी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि सेंट्रल और दक्षिणी इजराइल में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। बहुत हो गया, अब ये रुक जाना चाहिए। हमास ने इसराइल पर 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इतना बड़ा अटैक इसराइल पर 7 साल बाद हुआ है। बता दें कि इस हवाई हमले में अब तक करीब 43 जाने जा चुकी हैं। इसी दौरान इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर हमला बोला है। यहां 13 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इसराइल के मुताबिक इस बिल्डिंग में हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। यह बिल्डिंग अब मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। अमेरिका के रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि भारत ने गलत धारणा बनाई कि वहां कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि समय से पहले भारत को खोल दिया जिससे वह ऐसे गंभीर संकट में फंस गया है। भारत कोरोना वायरस की अभूतपूर्व दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है और कई राज्यों में अस्पताल स्वास्थ्य कर्मियों, टीकों, ऑक्सीजन दवाओं और बिस्तरों की कमी से जूझ रहे हैं। नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार से विश्वास मत हासिल नहीं कर पाने के बाद अगली सरकार के गठन की कोशिशें शुरू हो गई हैं। नेपाल की विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस नेपाल में अगली सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नई सरकार बनाने के लिए 3 दिन का वक्त दिया है। राष्ट्रपति ने बहुमत साबित करने के लिए विभिन्न दलों को बृहस्पतिवार तक का वक्त दिया है। इस बीच सियासी दलों के बीच सरकार गठन के प्रयास तेज हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत के साथ किसी औपचारिक बातचीत की संभावना को खारिज कर दिया है। सऊदी अरब से लौटने के बाद इमरान ने कहा कि भारत जब तक 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए गए कदमों को वापस नहीं लेता, तब तक उससे किसी तरह की बातचीत संभव नहीं है। इमरान ने पश्चिमी देशों पर मानवाधिकार मामलों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। इमरान ने बात ऐसे समय कही है जब उनके विदेश मंत्री ने हाल में कहा था कि पाकिस्तान को कश्मीर में अनुच्छेद 370 से कोई मतलब नहीं है, यह भारत का आंतरिक मामला है। इमरान के इस बयान के साथ पाकिस्तान की कथनी और करनी में एक बार फिर फर्क नजर आया है। अंतरराष्ट्रीय जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण स्वेज नहर को अब चौड़ा और गहरा किया जा रहा है। इजिप्ट ने इस योजना की जानकारी दी है। मार्च में स्वेज में एक संकरे स्थान पर बड़े जहाज के फंसने की घटना के बाद से यह निर्णय लिया गया है। स्वेज नहर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ओसामा राबी ने स्वेज के शहर इस्लामिया में हुए एक कार्यक्रम में योजना की जानकारी दी। राबी ने बताया कि इस नहर को 72 फुट गहरा करने की योजना है। अब तक यह 66 फीट ही थी। इसके अलावा स्वेज नहर की लंबाई को भी बढ़ाया जा रहा है। 2015 में खोली गई दूसरी लेन की अब तक 30 किलोमीटर लंबाई थी। इसका 10 किलोमीटर का विस्तार और किया जा रहा है। कोरोना से जंग के बीच जान गंवाने वाले 43 डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों के परिवारों को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 25-25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। बुधवार को जारी किए बयान में स्टालिन ने कहा कि मेडिकल स्टाफ को इनाम के तौर पर बोनस दिया जाएगा क्योंकि वह कोविड महामारी के दौरान रोगियों के जीवन के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। घोषणा के मुताबिक अप्रैल, मई और जून में जो मेडिकल स्टाफ ड्यूटी पर था उन्हें बोनस मिलेगा।
डॉक्टरों को 30,000 रुपए, नर्सों को 20,000 और अन्य स्टाफ को 15,000 रुपए बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। वहीं ट्रेनी और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को भी अतिरिक्त 20,000 रुपए का बोनस मिलेगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के बुलंदशहर रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने का समाचार प्राप्त हुआ है। देखते ही देखते आग ने एक अन्य फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग से केमिकल के ड्रम फट रहे हैं। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश अभी तक जारी है। जानकारी के अनुसार मिथाल पिगमेंट फैक्ट्री में आग लगी है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। जम्मू में सांबा मानसर मार्ग पर नट पुलिस नाके के समीप ग्रेनेड हमला हुआ। हमले में किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमलावरों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि पुलिस दल पर ग्रेनेड फेंके जाने के बाद सांबा जिले के नट इलाके में दहशत फैल गई। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक देर रात एक विस्फोट हुआ। इसके बाद पता चला कि सांबा मानसर मार्ग पर नड इलाके में पुलिस नाके को निशाना बनाते हुए एक ग्रेनेड फेंका गया था। ग्रेनेड का निशाना चूक गया और सड़क पर जा गिरा। लद्दाख में चीन से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस पर्यावरण को बचाने के लिए मैदान में आ गई। ITBP के जवान सीमा पर कड़ी सतर्कता बनाने के साथ साथ क्षेत्र में निरंतर स्वच्छता अभियान भी चलाते हैं। इस समय भी ITBP के अधिकारी व जवानों ने लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध पेंगोंग झील को साफ सुथरा रखने की कार्रवाई कर रहे हैं। जवानों ने झील के किनारों पर सफाई अभियान चलाकर वहां एकत्र कई टनों कचरे को हटाया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह व कारगिल शहरों को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आवास एवं शहरी विकास विभाग इस दिशा में कई प्रोजेक्टों पर काम कर रहा है। आवास एवं शहरी विकास विभाग लद्दाख के आयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू ने बैठक में शहरी विकास के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साहू ने विभाग के निदेशक को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित करने संबंधी अभी औपचारिकताओं को जल्द पूरा किया जाए ताकि तय समय पर सभी योजनाएं बन सके। मार्च 2020 से लगातार कोरोना महामारी की मार झेल रहे जम्मू के उद्योग ने सरकार से उद्योगपतियों की आर्थिक मदद करने की गुहार लगाई है। उद्योगपतियों ने पिछले साल घोषित पावर एमनेस्टी स्कीम को फिर से लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि स्थानीय उद्योग इस समय एक बार फिर से मंदी की मार झेल रहा है। ऐसे में सरकार को कुछ मदद प्रदान करनी चाहिए। आज से 100 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश को आजाद करवाने के लिए अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करने शिमला आए थे। 12 मई 1921 को पहली बार उन्होंने यह कदम रखा। यह देश के गौरव में इतिहास की एक यादगारी तारीख है। वे कालका शिमला रेल मार्ग से यात्रा करके समर हिल स्टेशन पर उतरे थे। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, लाला लाजपत राय, लाला दुनी चंद आदि नेता शामिल थे। गांधी के आगमन पर शिमला वासियों में उत्सुकता थी जबकि अंग्रेजों में भय था। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी को आगामी 18 मई को सजा सुनाई जा सकती है। शिमला जिले के गाँव कोटखाई में 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में चरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार किया था। दोषी को 11 मई को सजा सुनाई जानी थी लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते अब इस मामले में 18 मई की तारीख तय की गई है। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।